गणेशा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर आपने इसका फर्स्ट पार्ट तो देखा ही होगा, मॉर्निंग वाला। तो उस टाइम मैं खाना बनाने चली गई और फ़ोन भी डिस्चार्ज था तो वहीं पे छोड़ दिया था, मैंने व्लॉग वहीं बंद कर दिया था। और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो आज मेरे 2 बजे के करीब 1 लाख फॉलोअर्स भी कम्प्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो उसके बाद मैं जस्ट खाना वगैरह बना के फिर मैं दोपहर ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा धूप थी तो फिर मैं सो गई थी। बस अभी उठ के नहा के कपड़ा वगैरह धो के अभी सुखो के फ्री हुई हूँ। और अब मेहंदी भी लगानी है, मैंने मेहंदी भिगोई थी क्योंकि हमेशा कॉर्न वाली लगाती हूँ ना, उससे हाथ ख़राब होने लग जाते हैं। और ये चीज़ें ने भिगोई थी तो फिर मैंने सोचा मैं भी लगा लूँ। और बना गए हुए हैं दोनों केक लेने के लिए। और बाहर मतलब मौसम इतना ख़राब हो रहा है और लाइट भी चली गई है, और मैं सबकी स्टोरी अभी मेंशन कर रही थी तो इस चक्कर में मैंने फ़ोन भी वापस डिस्चार्ज कर दिया है। तो देखते हैं हम सेलिब्रेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, पता नहीं। मौसम तो ऐसा हो रखा है, अगर लाइटें वगैरह चली गई तो ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, बस केक कर देंगे वही है। व्लॉग भी सूट हो या ना हो क्या पता। तो पहले से नेगेटिव नहीं सोचूँ, पॉजिटिव सोचूँगी तो फिर पॉजिटिव होगा। तो फिर मैं लगा लेती हूँ मेहंदी, तब तक बना भी आ जाएंगे और फिर बाकी काम भी स्टार्ट हो जाएगा। देखो बाहर इतना ऐसा खतरनाक वाला मौसम हो रखा है, आंधी उठी हुई है, पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी। मौसम को आज ही खराब होना था, ये मतलब है ना, जब बारिश का मौसम, बारिश होनी चाहिए थी ना तब होती नहीं है, और जिसका स्पेशल दिन ख़राब करना हो तो या फिर मौसम ख़राब हो जाता है या फिर लोगों के मूड ख़राब हो जाते हैं। सब ये मौसम और मूडों पे ही डिपेंड है। मुझे ये ना ये भीगी हुई मेहंदी ना अपने आप से लगानी ही नहीं आती है, कौन वाली तो लगा लेती हूँ, ये ठीक से लगा ही नहीं पाती हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, दूसरा वाला फ़ोन ही कहाँ है, पता नहीं बन्ना का कॉल ना आ जाए, वो बोल रहे थे दोनों पहुँच के कॉल करेंगे। यहाँ पे ना कुछ अच्छे से मिलता भी नहीं है दोनों में, ना ही केक अच्छे से मिलता है, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि मेरा भी मूड ख़राब हो गया इस मौसम के साथ में, तो मन ही नहीं कर रहा है ऐसे सेलिब्रेशन वाली, कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है। ऐसे आंधी वाला मौसम देख के ना मूड अपने आप ऑफ हो जाता है, एक तो घर की सफाई वो याद आ जाती है, सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन के पास गया। बंद करवा तो फिर गाइस मैंने मेहंदी लगा लिया और बाहर इतनी खतरनाक वाली आंधी आई है, सेलिब्रेशन का पता नहीं, ये मौसम है ना सच में मूड खराब कर रहा है। पर इधर यहाँ पलटन भी मेहंदी लगा के तैयार हो रही है हमारे साथ में, इनको भी बहुत खुशी है तो ये भी सोच रहे हैं, रात में डांस वगैरह कर रहे हैं, सब पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। बट ये लाइट लाइट पहले से ही टाटा बाय बाय कर रही है, अब पता नहीं क्या होगा। तो फिर गाइस मैंने तो मेहंदी लगा ली है, मेहंदी सूख भी गई है और अब मैं जा रही हूँ नीचे। मौसम तो वैसे भी डाबा डोल हो रखा है, ऐसे बोलते ना मारवाड़े, मौसम पूरा डाबा डोल हो रखा है, तो वैसे डाबा डोल हो रखा है। फिर चलते हैं नीचे। हाय कर। हाय मम्मी।
ही का दोन कर रहे हूँ। हाथ को कटे परे देखो कितनी स्पीड से कर रहे हैं और मुझे बोल रहे करने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। एक अंगूठा तो वैसे भी नहीं है, कहीं दूसरा वाला ना चला जाए। ये हमारे सपोर्टिव है, सबसे बड़े सपोर्टिव लोग भी आना है। क्या बैठा बाहर झूठी आगे गिरी ओंगली आ गई, ग्रीन चटनी बिली टमाटर सॉस हो जाए, ग्रीन चटनी खानी है तुम्हें, मिक्सर भी ना काट दो टमाटर सॉस खोल रहा हाथ खून निकाल सॉस बना तो मैंने बस ये ट्राई किया बट मुझसे नहीं हो रहा था ऐसे मिक्सी की तरह, मैं तो पीस रही थी जैसे ग्रीन चटनी कैसे बनाते हैं पुदीने वाली वैसे पीस रही थी। तो अब मैं जा रही हूँ घर में, लाइट भी नहीं आई अभी तक, पता नहीं क्या होगा रात को, मौसम अभी तक ऐसे डाबा डोल में ही है, लाइट कब आएगी, बस लाइट का इंतजार है। जय श्री कृष्णा, जय माता दीदी। तो फिर ये मैं कल के व्लॉग के साथ अटैच कर रही हूँ क्योंकि रात में आपको पता ये लाइट नहीं थी और जो कुछ भी प्लान था वो भी चौपट हो गया, तो हम खा पी के सो गए थे और अंधेरे में तो क्या ही क्लिप लूँ। मतलब दादी सा ने बोला था कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना, तो हम उस टाइम केक कट कर देंगे और दादी सा और गौर सा को जाना था जसोल। तो मैं 4:30 उठी, 4 बजे का बोला था उन्होंने, मैं 4:30 उठी, बस आधा घंटा लेट हो गई। इस चक्कर में दादी सा और गौर सा तो वहाँ निकल गए और अब हमें भी सुबह मतलब 6 बजे के करीब हमारी बस है, तो मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे लगता है हमें ना 1 मिलियन का ही सेलिब्रेशन करेंगे सीधा, ये सेलिब्रेशन तो मुश्किल हो रहा है, फैमिली साथ में ही ना हो तो फिर क्या, मतलब बड़े हैं कौन सा और दादी सा तो वो भी घर में नहीं है, तो फिर मन ही नहीं करता, क्या छोटो केक लाए हुए हैं तो फिर केक तो कट करना ही है, वो भी मम्मी के साथ कर लेंगे, वो भी तो बड़े ही हैं, बट तो क्या है ना दादी सा बड़े थे तो मैंने सोचा कि दादी सा के साथ कट करेंगे, पर जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है। तो बने रहते हैं व्लॉग में क्योंकि कल तो जो मैं आपको कल से बोल रही हूँ कट करने का बट कर नहीं पा रही थी, लाइट चली गई और फिर मेरा भी मन नहीं था अंधेरे में क्या ही कट करूँ, ना ही फोटो अच्छे से आते हैं ना ही वीडियो अच्छे से आते हैं, तो अब बस का भी टाइम हो गया और मुझे साथ में केक भी कट करना है, तो फटाफट में आपको बताए ऐसा वैसे ही होगा। तो फिर मैं तो तैयार हो गई हूँ और बस का भी टाइम हो गया, 6 बज गई, अब पता नहीं बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं तैयार होते होते पूरा दिन मतलब 4:30 तैयार होने लगी हूँ, अब जाके तैयार हुई हूँ क्योंकि बन्ना भी साथ में हो रहे थे ना, तो फिर साथ साथ में ऐसे ही होता है, तो नीचे भी वेट कर रहे हैं तो मैं जा रही हूँ नीचे, सब अब भी उठे होंगे और मैं तो तैयार हो गई और उन सब वो सब मुझे लगता है व्लॉग में मुँह छू पाएंगे क्योंकि कोई भी तैयार हुए हुए नहीं अभी उठे हैं, तो फिर कोई भी व्लॉग में नहीं आना चाहेंगे। तो फ़ोन पावर बैग सब रख लेती हो वरना वहाँ जाके ये लो भूल गई, बस यही है अभी मैंने ये ओढ़नी वेयर किया बस थोड़ी देर के लिए, बाद में चेंज करूँगी
एक एक करने के चक्कर में मैंने बॉडी, मैंने सोचा फोटो, अब मुझे लगता फोटो वगैरह तो ऐसे ही आएंगे क्योंकि फटाफट सब कुछ फटाफट बस निकल नहीं है। तो गाइस मेरा कैमरा ऑन होते ही पूरा आंगन खाली हो गया, सब अपने अपने मुंह छुपा रहे। देखो कोई बाहर चला गया, कहीं कोई रूम के अंदर चला गया, कोई अंदर की साइड चले गए, सब छुप रहे। लोबन तो आ गई, खारो गुड को आवेगा दिन वो खुद को बन गया। हाय लते जी चॉप चॉप आ गई, खारो गुड दिन निकलो। मैं भी कुछ हिंसा कर रही हूँ, नहीं खा रही हूँ, करे मैं लंबा घर नहीं खा रही हूँ, मैं टूट जाती हूँ। तो गाइज वैसे सेलिब्रेशन तो इतना खास रहा नहीं, क्योंकि पहले सोचा दादी सा और कौन सा भी यहीं रहेंगे तो ठीक से सेलिब्रेट करेंगे, वो भी जसोल चले गए। और मम्मी, मम्मी को बोला तो वो बोल रहे मैं तो ना ही नहीं ऐसे में ब्लॉग में अच्छी नहीं लगूंगी ऐसे करके। मम्मी काकी सब वो भी सुबह सुबह कोई तैयार हुआ भी नहीं था और बोल रहे आप तो तैयार हो के आ गए और हमें बोल रहे ऐसे, तो ऐसे करके कुछ हुआ नहीं खास, पर आगे देखेंगे 200 के तक। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना।